नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हम बात कर रहे हैं 4 दिसंबर के इतिहास की। तो 4 दिसंबर 1910 में भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन का जन्म हुआ था। 1987 में 77 वर्षीय वेंकट रमन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। इससे पहले वे देश के उपराष्ट्रपति का पद संभाल चुके थे। इससे पहले राष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीवी गिरि ही थे। रामास्वामी वेंकट रमन 1947 से 1950 तक मद्रास प्रोविंसन बार फेडरेशन के सचिव के पद पर भी काम किया था और 1953 से 1954 में ये कांग्रेस संसदीय दल के सचिव भी रहे थे। वेंकट रमन तमिलनाडु की औद्योगिक क्रांति के शिल्पकार माने जाते हैं। 1967 में तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जहां कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। तब वेंकट रमन को दिल्ली में योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। साथ ही उद्योग, श्रम, संचार व रेलवे, ऊर्जा और यातायात विभाग इनके हवाले कर दिए गए थे। 4 दिसंबर 1919 में भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का जन्म हुआ था। गुजराल उस वक्त प्रधानमंत्री बने थे जब कांग्रेस की समर्थन वापसी के भय से संयुक्त मोर्चा सरकार ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग को स्वीकार कर लिया था और तब HD देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। देवेगौड़ा ने 21 अप्रैल 1997 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसी दिन गुजराल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। 1998 में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और गुजराल ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री तक पहुंचने के पहले गुजराल को केंद्र में राज्य मंत्री के तौर पर विभिन्न मंत्रालयों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। गुजराल ने संचार और संसदीय कार्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सड़क एवं भवन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी भी पूर्व में संभाली थी। इन्होंने राजनयिक के रूप में इंदिरा गांधी को भी अपनी सेवाएं दी थी। 4 दिसंबर 1952 की बात करें तो इंग्लैंड के लंदन शहर में स्मॉग की घनी परत छा गई थी और ऐसा 4 दिनों तक चलता रहा, जिसके कारण करीब 4000 लोगों की जानें चली गई थी। उच्च दबाव वाली वायु के घनत्व को टेम्स नदी की घाटी में जमता देखा गया था। जैसे ही पश्चिम में आने वाली ठंडी हवा इससे टकराई, लंदन शहर के लोगों की जिंदगी वहीं की वहीं फंस गई। तापमान गिरने से लोग अपने घरों में गर्मी के लिए ज़्यादा कोयला जलाने लगे और इस तरह कोयले का धुआं, कालिक के साथ आसपास की कारों के धुएं और उद्योगों से मिलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड ने मिलकर एक असाधारण मिश्रण बना दिया, जिससे पूरा का पूरा शहर भारी धुंध से घिर गया था। 7 दिसंबर आते आते सूरज की किरणें भी इसे भेद नहीं पा रही थीं। खतरे को देखते हुए आवाजाही रोकने का निर्देश दिया गया, लेकिन तब तक कई रेल दुर्घटनाएं हो चुकी थीं और 9 दिसंबर को जाकर की यह खतरनाक धुंध किसी तरीके से छटी थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस दुर्घटना के मद्देनजर वायु प्रदूषण से संबंधित कानून कड़े किए और लोगों से घर गर्म करने के लिए कोयले का इस्तेमाल ना करने की भी अपील की थी। 4 दिसंबर को भारत में भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिवस को भारतीय सेना बांग्लादेश में पाक सेना के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी। वहीं ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर भी हमला बोल दिया था। भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना भारतीय नौसेना का सामुद्रिक अंग है और भारतीय नौसेना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना मानी जाती है, जिसमें शामिल नौसैनिकों की संख्या लगभग 55,000 है। नौसेना भारतीय सीमा की सुरक्षा को प्रमुखता से निभाते हुए विश्व की अन्य प्रमुख मित्र राष्ट्रों के साथ सैन्य अभ्यास में भी सम्मिलित होती है। भारतीय नौसेना 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्धकारिणी सेना के रूप में इंडियन मेरीन के नाम से संगठित की गई थी और 1685 में इसका नाम बदलकर बम्बई मेरीन किया गया। 8 सितंबर 1934 में भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया और रॉयल इंडियन नेवी का जन्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी नौसेना का विस्तार जारी रहा।
तो ये थी 4 दिसंबर से जुड़ी हुई इतिहास की प्रमुख घटनाएं। हम ऐसे ही आपको इतिहास की प्रमुख घटनाओं से रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।